नमस्कार दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं संप्राय मैदान के बारे में, अर्थात पेनिप्लेन क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे पेनिप्लेन क्या होते हैं और उससे संबंधित और कई शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम देखेंगे, और देखेंगे कि संप्राय मैदान के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला जिस तरीके से चल रही है, आप लोग इसके वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए और इसकी प्लेलिस्ट वगैरह जो है पूरी की पूरी आप लोग उसको जाइए और वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये सीरीज चल रही है, लेकिन जैसे ही सीरीज खत्म होगी जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पर आएंगे, उसके बाद ओशिनोग्राफी पर आएंगे, और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सभी वीडियो आपको ख़त्म कर दें। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में बात करेंगे संप्राय मैदान, संप्राय मैदान अर्थात पेनिप्लेन क्या होता है। तो बात करेंगे पेनिप्लेन शब्द का, जो जिक्र सबसे पहले किया था वो शब्द का प्रयोग डेविस ने किया था, और लेकिन डेविस का कहना था कि ये शब्द मेरा है लेकिन ये संकल्पना मेरी नहीं है। इन्होंने संकल्पना जो थी वो JW पॉवेल ने किया था, वो कोलोराडो नदी की खोज नामक उनकी एक पुस्तक थी, लेख था, उसमें इन्होंने उनकी संकल्पनाओं के आधार पर पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग डेविस ने किया था। लेकिन आखिर ये संप्राय मैदान होता क्या है, तो अगर हम बात करेंगे तो जलीय अपरदन चक्र के अंत में उत्पन्न स्थलाकृति को पेनिप्लेन कहते हैं। तो ये तो एक शब्दावली हो गई, आप इसको समझें तो इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, वहाँ पर क्या क्या नदियाँ अपना अपरदन करती हैं, अपरदन के परिणाम स्वरूप जो अंतिम रूप से जो पूरा मैदान हो जाता है, अर्थात नदियाँ जब अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो उससे निर्मित स्थलाकृति को हम लोग पेनिप्लेन कहते हैं या संप्राय मैदान कहते हैं। अब इसमें बात एक बता दूं कि जो अपने आधार तल को नदियां प्राप्त करती हैं, लेकिन इसमें पेनिप्लेन जो शब्द है इसका संबंध में ये नहीं कि बिल्कुल सपाट मैदान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें बीच बीच में ऊबड़ खाबड़ मैदान, आपको छोटे मोटे पर्वत जो होंगे, आप पर्वत का मतलब छोटे मोटे जो है चट्टाने वगैरह आपको दिखेंगी, क्योंकि होता यही है कि जो मुलायम चट्टाने और कठोर चट्टाने, मुलायम चट्टानों का अपरदन जल्दी हो जाता है, कठोर चट्टानों का अपरदन बहुत लेट में होता है, या फिर नदियाँ उस अवस्था में नहीं रह पाती कि उनका अपरदन करें, तो फिर क्या होता है कि वो बीच बीच में छोटे छोटे आपको उठे हुए जो हैं आपको पत्थर वगैरह आपको दिखेंगे जिनको मोनेड नाक कहते हैं। तो मोनेड नाक कहते हैं। अब इसमें जब बात करेंगे तो इसमें सतह सपाट ना होकर निम्न उच्चावच एवं ऊबड़ खाबड़ होती है, बिल्कुल प्लेन मैदान नहीं होता है, बिल्कुल बीच में जब ऊबड़ खाबड़ मैदान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो बात करेंगे तो अब चूंकि डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत में डेविस ने बताया था कि पर्वतों की उत्पत्ति होती है, फिर उसमें अपरदन होता है, अपरदन के बाद में क्या होता है कि वो एक संप्राय मैदान में बदल जाता है। इसके ठीक वो इसमें देखेंगे तो जो पैंक ने जो भूदस विकास सिद्धांत उन्होंने दिया था, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया था। उनका कहना था कि जब कोई किसी मतलब कि कह सकते हैं जब किसी पर्वत का उत्थान होता है उसी के समय अपरदन शुरू हो जाता है, लेकिन डेविस ने कहा था कि उत्थान होने के बाद अपरदन होता है। तो उत्थान होना शुरू होता है और उसी के बाद में क्या होता है, उत्थान और अपरदन साथ में होता रहता है, लेकिन पहले उत्थान तेजी से होता है, अपरदन की गति धीरे रहती, बाद में उत्थान जो होता है वो कम हो जाता है, उत्थान और अपरदन तेजी से होने लगता है, फिर वो क्या होता है धीरे धीरे जो जो पर्वत है वो इंड्रम्प में बदल जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, पिंक ने पेनिप्लेन के स्थान पर इंड्रम्प शब्द का यूज किया था। अब एक बात और कि संप्राय मैदान में ऊंचे उठे टीले जो होते हैं उनको मोनेड नाक कहते हैं। अब बात करेंगे जैसे ये पर्वत है, ये क्या है, ये क्या है, कोई पर्वत है। अब इस पर्वत में जब हम देखेंगे तो ये पर्वत धीरे धीरे क्या होगा, इसमें नदियाँ वगैरह होंगी जो क्या करेंगी अपरदन वगैरह इसका करेंगी, नदियाँ धीरे धीरे अपरदन करेंगी, पर्वत कट करके छोटा हो जाएगा। तो पर्वत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जब अपलिफ्टमेंट अर्थात जब जो ऊपर की तरफ उठता है उत्थान जो होता है वो जो खत्म हो जाता है, तो फिर धीरे 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 क्या होता है कि उसका अपरदन होता है, अपरदन के परिणाम स्वरूप जो ये पर्वत है पर्वत कट करके कुछ इस तरीके से हो जाएगा और छोटी मोटी यहाँ पर ये आकृति बचेगी, पूरा का पूरा क्या होगा संप्राय मैदान बदल जाएगा। और इसको क्षैतिज रूप से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऊपर की तरफ छोटे 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 से यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ चट्टानें आपको छोटी छोटी दिखेंगी, बाकी मैदान के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब इसमें बात करेंगे तो पेनिप्लेन जैसे होता है तो उसको डेविस ने दिया था, डेविस ने पेनिप्लेन शब्द का जिक्र किया, नदी द्वारा निर्मित, इसमें कई सारे से पेडीप्लेन है, किंग ने दिया, ये वायु द्वारा निर्मित जो क्षेत्र में अपरदन हो जाए तो वहाँ पर जो अंतिम जो कह सकते हैं जो स्थलाकृति बनती है उसको पेडीप्लेन कहते हैं, इंसलबर्ग वगैरह हमने बताया था। और पैन प्लेन क्रिकमे ने दिया था, बाढ़कृत मैदान मतलब एक मैदान दो मैदान को बाढ़कृत मैदानों को जोड़कर बनी आकृति को पैन प्लेन बोलते हैं। और यह पैन फैन है तो पैन फैन लासन ने दिया था, ये वायु द्वारा, और कह सकते हैं कि पेडीप्लेन और पैन प्लेन लगभग एक ही जैसे हैं, बस अलग अलग उन्होंने संकल्पनाएं दे रखी हैं। तो लासन ने वायु द्वारा निर्मित ये भी होती है, तो इसको आप याद रखिए। एक होता है एच प्लेन, लेकिन अब उतना जानने की जरूरत है नहीं।
संप्राय मैदान के प्रकारों की अगर जो हम बात करेंगे तो संप्राय मैदान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम जब देखेंगे तो हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिसमें हम देखें तो संप्राय मैदान के जो प्रकार में पहला देखेंगे हम स्थानीय संप्राय मैदान है। तो स्थानीय संप्राय मैदान या स्थानीय पिनिप्लेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कुछ आधार भाग, मतलब मान लीजिए कोई एक सतह है, सतह में कुछ भाग जो है वो ऊपर उठे हुए हैं, कुछ भाग अपने आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई पहले के टाइम पे जैसे कोई ये रहा होगा, अब इसमें क्या है कि कुछ इसके क्षेत्र जो होंगे वो आधार तल को प्राप्त कर लिए होंगे, लेकिन मान लीजिए ये आधार, ये वाला हिस्सा आधार तल को प्राप्त कर लिया, लेकिन दूसरे हिस्से में अभी भी अपरदन जारी है। तो एक अर्थात कुछ भाग आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ भाग में समतलन होने का कार्य चलता रहता है, कुछ भागों में समतलन का कार्य चलता रहेगा, कुछ आधार तल को प्राप्त कर लेंगे। तो जो समतलन का कार्य जो चलता रहता है और कुछ भाग जो है आधार तल को प्राप्त कर लेंगे। जैसे मां यहाँ पर समतलन का कार्य चल रहा है, यहाँ पर आधार तल को प्राप्त, ये वाला हिस्सा आधार तल को प्राप्त कर लिया, यहाँ पे भी समतलन चल रहा है, तो इसको स्थानीय प्रिनिप्लेन बोलते हैं। प्रादेशिक प्लेनिप्लेन की जो बात करेंगे तो इसमें अगर जो जो मैंने बताया था ये क्या था, स्थानीय था, स्थानीय में कुछ हिस्से ऊपर उठे हुए थे, कुछ हिस्से आधार तल को प्राप्त कर लेते थे। प्रादेशिक में क्या होता है कि स्थानीय प्लेनिप्लेन के मध्य के भाग, मतलब कि स्थानीय प्लेनिप्लेन के जो एक ये स्थानीय प्लेन, एक ये स्थानीय प्लेन, जिनके मध्य के भाग जो ऊपर उठे हुए थे, ये वाले स्थान, ये भी क्या करें अपने आधार स्थल को प्राप्त कर लें। तो अगर ये भी अपने आधार स्थल को प्राप्त कर लेंगे तो उससे निर्मित जो पेनीप्लेन होगा उसको प्रादेशिक पेनीप्लेन बोलते हैं, अर्थात स्थानीय पेनीप्लेन के मध्य, मतलब एक ये पेनीप्लेन हो गया था, एक ये हो गया था, एक ये हो गया, तो इसके मध्य के जो ऊंचे उठे हुए स्थान है, लेकिन जब ये भी जब अपने जो आधार तल को प्राप्त कर लेंगे तो उससे निर्मित जो पेनीप्लेन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रादेशिक पेनीप्लेन। तो आप लोग इसको भी इस तरीके से याद रख सकते हैं, मतलब स्थानीय में कुछ हिस्से जो होते हैं ऊपर उठे रहते हैं, बाकी कुछ आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं, ऊपर उठे जो टीले होते हैं या ऊपर उठे स्थान हैं उनका अपरदन धीरे धीरे जारी रहता है, और वो अपने आधार तल को जब वो भी प्राप्त कर लेते हैं तो उसको प्रादेशिक बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्थित पेनीप्लेन। उत्थित पेनीप्लेन का मतलब है कि प्रादेशिक या स्थानीय प्लेन, मतलब कि ये वाला प्लेन पेनीप्लेन या ये पेनीप्लेन, इसमें अगर जो किसी तरीके से अंतर्जात बल के कारण, मतलब भूकंप हो या कुछ भी ऐसी अंतर्जात बल वगैरह लगे, अंतर्जात बल के कारण ये हिस्सा क्या हो कि और ऊपर उठ जाए, तो ऊपर उठ जाएगा तो उसमें फिर अपरदन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऊपर उठा हुआ जो क्षेत्र होगा उसी को हम लोग बोलते हैं उत्थित पेनीप्लेन। मान लीजिए जैसे ये था, ये पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहा था, ये था, लेकिन इसमें अंतर्जात बल वगैरह लगा, अंतर्जात बल की वजह से क्या हुआ कि ये हिस्सा ऊपर उठ गया, तो इसको बोल दिया गया उत्थित पेनीप्लेन। तो ये भी याद रख सकते हैं, उत्थित पेन या अपलिफ्ट पेनीप्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जीवित पेनीप्लेन। अगर जो किसी पेनीप्लेन पर अवसादी चट्टानों का जमाव हो जाए तो अवसादी चट्टानों के जमाव के परिणाम स्वरूप वो जो प्लेनिप्लेन था वो दिखना बंद हो जाएगा, उसको बोलेंगे तिरोहित प्लेनिप्लेन। तो इसको बोलेंगे या ब्यूरिट प्लेनिप्लेन के नाम जानते हैं। प्लेनिप्लेन पर अवसादी सेल का जमा हो जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे अवसादी सेलों का क्या हो जाए, अपरदन हो जाए, अपरदन के बाद में वो जो पेनिप्लेन था वो दोबारा दिखने लगे, तो जब दोबारा दिखने लगेगा तो उसको बोलेंगे पुनर्जीवित प्लेनिप्लेन, अर्थात जो अवसादी सेल है उनका अपरदन हो जाए, अपरदन के बाद वो जो कह सकते हैं जो पेनीप्लेन था वो दोबारा दिखने लगे, उसको उसको दोबारा, मतलब कि एक बार तो उसका जन्म हो चुका है लेकिन दोबारा फिर से वो दिखने लगा, इसलिए उसको पुनर्जीवित पेनीप्लेन बोलते हैं। तो ये थे जो पेनीप्लेन से रिलेटेड। अब इसमें देखेंगे इसमें बहुत सारे इनकी आलोचना वगैरह भी होती है, अलग अलग वैज्ञानिक आलोचना वगैरह करते हैं, डेविस की भी करते हैं। उनका कहना था कि जब ये जैसे ये जो पूरी स्थलाकृति, इसको पेनीप्लेन बदलने के लिए जो पर्वत वगैरह हैं, तो इनको पेनीप्लेन में जब बदलेंगे तो उसके लिए काफ़ी स्थिरता चाहिए और काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी स्थिरता तो होती नहीं है। तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद भी होता है कि आखिर जो ये बात बता रहे हैं कि पेनीप्लेन में बदलेगा, तो पेनीप्लेन में जब बदलेगा पर्वत तो उसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए और कह सकते हैं उसमें किसी तरीके से स्थानीय परिवर्तन वगैरह ना होते हों, स्थिरता चाहिए तभी पेनीप्लेन बदलेगा। नहीं, लेकिन चूंकि ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में देखें या बाह्य भागों में देखें तो बहिर्जात और अंतर्जात बल लगते रहते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी की सतह कह सकते हैं अस्थिर है, उसमें मूवमेंट होता रहता है, और मूवमेंट की वजह से कोई भी स्थान एक ही जैसा काफी लंबे समय तक नहीं रह सकता है। उसमें अंतर्जात या बहिर्जात बलों के कारण ये कोई भी चट्टान ऊपर उठ सकती है, कुछ नीचे जा सकती है, तो इस वजह से क्या होता है, इस आलोचना वगैरह भी इसमें होती है। तो इसको आप याद रखें, पेनीप्लेन आपको समझ में आ गया होगा जलीय। अब हालांकि अभी डेविस और पेंग का सिद्धांत बचा हुआ है, मैं हालांकि मैंने उसे पहले उसके डेविस और पेंग के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हालांकि कुछ संशोधन के बाद अगर जो कुछ संशोधन हुआ तो उन संशोधित दोनों वीडियो उनको हम दोबारा डाल देंगे, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। तो ये है, एक सीरीज के रूप में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया आप, संप्राय मैदान खत्म हो गया है, संप्राय मैदान के बाद हम थोड़ा ढाल
प्रवणता के बारे में, उसे संबंधित आपको सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला में भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उन टॉपिक को ख़त्म करके हम तुरंत का तुरंत हम क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर आएंगे। आप भी, हालांकि बताने को तो बहुत सारे टॉपिक बन जाएंगे, लेकिन बताएंगे वही जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक भी मटेरियल आपके लिए इकट्ठा नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं उन्हीं को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।